हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो, ये है फिर से एक और एक हाइबिस्कस हुआ है मेरे पास। इसको मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है और इसकी केयर करना ही भी बहुत ही इजी है। और देखो अभी कितने सारे कलियाँ हैं। नॉर्मली तो विंटर पे हाइबिस्कस पर फूल कम होते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड की जो बेंगलोर जो हाइबिस्कस है ये है, तो इसके लिए ये अभी बहुत सारी, ये पूरे साल ही खिलती है लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा खिलेगी। आप देख सकते हो बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई है और इसकी जो केयर करना बहुत ही ईजी है। देखो, इसको मैंने मिट्टी पर ही लगाया हुआ है, ऐसे ही लगा दिया और सिर्फ इस पर खली का जो पानी है उसको देती हूँ, और कुछ दिन बाद इसको बुशी करने के लिए इसकी जो है इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। ठीक है, और कोई भी इसकी देखभाल इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और देखो, इसकी जो लीव्स है इसके पीछे मिलीबग का अटैक होते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा ही नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। इसी से ही बहुत अच्छी तरह ग्रो होती है। और हाइबिस्कस अब जब भी जहाँ भी लगाओगे, फुल सनलाइट चाहिए उसको, तभी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह होती है। इसके कलर भी अच्छा होता है और फूल भी ज़्यादा खिलते हैं। ठीक है, और इस पर मैं जो है फर्टिलाइज़र वही खली का पानी देती हूँ, घुमा फिरा कर वही मैंने बिल फर्टिलाइज़र देती हूँ, वही घर पर रेडी हुए है खाद, जो खाद होती है वही देती हूँ। तो देखो कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है। आप वीडियो पे शायद इतना बड़ा नहीं हो दिख रहा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। दो तीन हाइबिस्कस की बराबर है ये एक फ्लावर। देखो, बहुत ही अच्छा लगता है जब ये इतने सुंदर फूल खिलते हैं। तो इसको पॉट पे भी आप लगा सकते हो, वेल ड्रेनेज पॉट होनी चाहिए, उस पर वही गार्डनिंग सॉयल 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% बालू मिट्टी को मिलाकर आप इस प्लांट को लगाओ पॉट पर, तो ये अच्छी तरह चल जाती है। और ऐसे ही फर्टिलाइजिंग करते रहने से भी सुंदर तरीके से ग्रो होती है। तो क्या होता है, मैंने इसको ग्राउंड पे लगाया हुआ है इसलिए इसकी केयर थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।